आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशन इनहेरिटेंस। ठीक है, जब हम आइसोमेरिज डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि कॉन्फॉर्मेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज एल्केन पढ़ाई हो रही है तो उसमें हम लोग कॉन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है? एक्सियल एक्सिस के अलोंग कंप्लीट रोटेशन होता है और उसमें जो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट मिलता है उसी को हम लोग कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हम लेते हैं एग्जांपल इथेन का C2H6। ठीक है, C2H6 लेते हैं तो C2H6 हुआ ये, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? CH3 इथेन है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐसे देखते हैं, जैसे ये कार्बन हुआ, ये तीन हो गया, इधर हाइड्रोजन, ये तीन हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब देखो, अब बता रहे हैं कॉन्फॉर्मेशन है क्या। अब ये कार्बन है, ये वाला कार्बन हमने यहाँ रखा है, और दूसरा कार्बन ये यहाँ पर आ रहा है, ये जो ब्लैक है, ये हुआ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये हो गया हमारा कार्बन का, ये क्या है कार्बन, ये CH3 को हमने यहाँ पर लिखा, ब्लैक बोर्ड के ऊपर हमने ये CH3 को लिखा। ठीक है, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम इस पेन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये पेन ऐसे रखा। अब देखो, अब यहाँ पर एक कार्बन हो गया। ठीक है, अब इसके सामने हम ऐसे रखेंगे, फिर ये एक पेन ऐसे रखें। अब देखो, और तीसरा ये रहेगा, इसके सामने ये है, इस बॉन्ड के सामने ये है, इस बॉन्ड के सामने यहां भी CH3 हो गया, यहां पर कार्बन H CH बॉन्ड, ये वाला CH3 यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रोटेट कर सकते हैं? नहीं, ये एक्सिस हुआ कि नहीं, ये हुआ एक्सिस, ये कार्बन कार्बन को जोड़ने वाला जो ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन को जोड़ने वाला, ये एक्सिस हो गया। तो हम एक्सियल रोटेशन कर सकते हैं कि नहीं? देखो घूम रहा है कि नहीं, घूम रहा है तो डिफरेंट अरेंजमेंट आ रहा है कि नहीं? ठीक है कि नहीं, ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, देखो यही है एक्सियल, है ना, यही है कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये व्हाइट वाला जो कि ऐसे करके जा रहा है, यहाँ ऐसे कार्बन है, कार्बन पर ये व्हाइट पेन गया और यहाँ पर भी कार्बन आ गया। अब देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये भी है पीछे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सारा सामने है ना, और जब हम घुमाएंगे तो एंगल बनेगा कि नहीं, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में एंगल बना। अभी क्या है, दोनों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तभी क्या है एंगल जीरो है ना, सामने है एंगल। ये जो सामने है ना, इस फॉर्म को बोलते हैं एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड मतलब क्या हुआ, सामने से ऐसे देखोगे तो ढका हुआ रहेगा, सामने से कुछ भी नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो ये बॉन्ड नहीं दिखेगा, सामने देखोगे तो ये बॉन्ड दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये बॉन्ड दिखेगा, ये इसके पीछे नहीं दिखेगा, ये पोजीशन हो गया एक्लिप्स्ड। ठीक है, जिसमें कि सामने वाला बॉन्ड जो है पीछे वाले को कवर कर रहा है, इसको रोटेट करते करते हम जो है ऐसे ला सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके सामने उल्टा, जस्ट उल्टा करते हैं, है ना, ये है, ये उल्टा ऐसे रखें। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट इधर, अब इसका अपोजिट इधर, अपना पेन मारते हैं। ये हो गया, इसके जस्ट अपोजिट ये हो गया,
इसके उल्टा यहाँ, ठीक है, और इसका उल्टा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, इसलिए इसको यहाँ पर रखें, और इसका उल्टा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन है स्टेगर्ड है, कहीं भी सामने नहीं है, इसका उल्टा यहाँ आ गया, यानी इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में 180 डिग्री का एंगल, जस्ट अपोजिट, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में जस्ट यहाँ, अगर पेपर पर देखें तो यहाँ पर आएगा, तो इसके इसके बीच में 180 हो गया, अगर पेपर पर देखेंगे तो इसका सामने बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये भी बॉन्ड 180 में हो गया, और इसका अपोजिट यहाँ लिखेंगे तो 180 होगा। तो देख लो ये हो गया स्टैगर, सबसे ज्यादा डिस्टेंस हुआ बॉन्ड के बीच में, मैक्सिमम डिस्टेंस 180 डिग्री का, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, ये वाला स्टैगर्ड जस्ट अपोजिट है सबका, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ, ये हो गया स्टैगर्ड, ठीक है, ऐसे घुमाते 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 फिर तुम ला सकते हो, घुमाते घुमाते देखो एक लिफ्ट ले आए, हो गया एक लिफ्ट, हो गया ना, फिर घुमाते घुमाते जो है स्टैगर्ड कर दिया है, स्टैगर्ड में कोई सामने नहीं है बॉन्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, और एक लिस्ट में क्या है सामने है, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये हो गया एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। एक्लिप्स्ड में क्या हो गया कि बॉन्ड एंगल जीरो है, बॉन्ड एंगल नहीं, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में जो है जीरो एंगल, टॉर्सनल एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसको हम लोग बोलते हैं कि फ्री रोटेशन, एक्चुअली ये फ्री रोटेशन नहीं है, इसको जब हम रोटेट करते हैं तो इसमें हमको एनर्जी देना पड़ता है, बिना एनर्जी के नहीं रोटेट हो रहा है, यानी क्या हुआ, ऐसे जिसको चारों तरफ हम रोटेशन कराते हैं ये फ्री नहीं है, इसको रोटेट करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में, इसको बोलते हैं टॉर्सनल एंगल, टेंशन एंगल है ना, टॉर्सनल एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, टॉर्सन जो रिपल्सन, सबसे सामने है तो सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, ये जो है इसके सामने है तो रिपल्सन होगा, ये इसके सामने है तो रिपल्सन, ये जो एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है वो सबसे अनस्टेबल होता है, क्योंकि एक्लिप्स्ड में सारा बॉन्ड सामने सामने होता है, और जब ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका सामने सामने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो रिपल्सन होगा, तो जो एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है आमने सामने सबसे नज़दीक रहता है बॉन्ड इन टॉर्सनल एंगल जो होता है वो जीरो होता है, लेकिन जब स्टैगर्ड कर देते हैं है ना, जैसे ये स्टैगर्ड हो गया है ना, स्टैगर्ड ये तो एक्लिप्स, ये हुआ स्टैगर्ड, कोई सामने नहीं है, इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट, ये हो गया हमारा स्टैगर्ड, ये सबसे स्टेबल स्टेट होता है, यानी सबसे कम रिपल्सन होता है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड आमने सामने नहीं है, मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री, टॉर्सनल एंगल 180 डिग्री है, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल नहीं है, टॉर्सनल एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें जो फोर्स लगाना पड़ता है टॉर्सनल फोर्स बोलते हैं, इसमें जो एनर्जी लगाना पड़ता है रोटेट करने के लिए उसको टॉर्सनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम समझ गए एक्लिप्स्ड है, और दूसरा स्टैगर्ड जो भी दिखा रहा है, और बीच का कोई पोजीशन ना तो एक्लिप्स्ड है और ना ही स्टैगर्ड है, बीच का कोई भी पोजीशन इसको रोटेट करने से जो आ रहा है उसको एस क्यू बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एस क्यू। तो तीन पोजीशन आएगा, ठीक है ना, इसमें क्या क्या पोजीशन आएगा, एक एक्लिप्स आएगा, एक आएगा एक्लिप्स, दूसरा आएगा स्टैगर्ड, और तीसरा क्या आएगा, एस क्यू, ठीक है। एक्लिप्स जो होता है अनस्टेबल होता है, स्टैगर्ड क्या होता है, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, ये होता है मोस्ट अनस्टेबल, और ये मॉडरेटली स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, मॉडरेट होता है,
इस दोनों के बीच में होता है, ठीक है ना। मॉडरेटली अनस्टेबल, अनस्टेबल जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है ना। तो तीन पोजीशन बता दिए। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट मिलता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर। तो कॉन्फॉर्मेशन अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग अब हम लोग जो है कॉन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, उसमें हमने कुछ पढ़ा, और कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्मिनोलॉजी तो पढ़ लिए। टाइप ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, तीन तरह का कॉन्फॉर्मेशन होगा, एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन एंड एसक्यू कॉन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि बॉन्ड जो है आमने सामने होता है। स्टैगर्ड में क्या होता है, बॉन्ड जो है अपोजिट होता है, जैसे ये बॉन्ड इधर है तो ऐसे होगा, ठीक है, वो सब हम दिखा चुके हैं। और बीच का कोई भी स्टैगर्ड और एक्लिप्स, स्टैगर्ड और एक्लिप्स का जो अरेंजमेंट है उसके बीच का कोई भी दूसरा अरेंजमेंट, सारे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एसक्यू। तो एक्लिप्स जो होता है वो मोस्ट अनस्टेबल होता है, और स्टैगर्ड जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि सबसे कम रिपल्शन होता है, मोस्ट स्टेबल ये होता है क्योंकि इसमें सबसे कम रिपल्शन होता है, लिस्ट रिपल्सन, लिस्ट रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ द टू एडजेसेंट कार्बन एटम। कार्बन कार्बन है ना, वो कार्बन के बीच में क्या बताए थे, इधर है ये कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर भी तीन को बॉन्ड रहेगा, इधर भी तीन को बॉन्ड रहेगा ही ना, है ना। यहाँ का ये तीन बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ पर तीन बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन है, ये बॉन्ड है ना, इसके इसके बीच में जो रिपल्सन है ये सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्लिप्स्ड आमने सामने है तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, यही दिख रहा है। व्हाट इज टॉर्सनल स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ द सिग्मा बॉन्ड ऑफ द टू एडजेसेंट कार्बन एटम। तो यही दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम है, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन है। इस दोनों कार्बन में ये बॉन्ड है, यही है सिग्मा बॉन्ड, यही है सिग्मा बॉन्ड, यही सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के बीच में, और इसी को हम लोग रोटेट करते हैं, इसी को हम लोग रोटेट करते हैं, ठीक है। इस रोटेशन में जो है जब ये पोजीशन आ जाएगा कि बॉन्ड सामने सामने हो जाएगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कार्बन हाइड्रोजन का, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कार्बन हाइड्रोजन का, तो सामने सामने जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा, रिपल्सन मैक्सिमम होगा, सबसे नज़दीक है इसलिए सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, ठीक है। इसीलिए एक्लिप्स जो होता है मोस्ट अनस्टेबल होता है, क्योंकि मैक्सिमम रिपल्सन होता है, इसमें क्या होता है मैक्सिमम रिपल्सन होता है, मैक्सिमम रिपल्सन होता है, इसमें मोस्ट अनस्टेबल होता है, ठीक है। और अगर ऐसे घुमाते घुमाते ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये आ गया देखो उल्टा हो गया, अब इसके सामने कोई बॉन्ड नहीं है ना, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर इससे देखेंगे एंगल तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हुआ स्टैगर्ड, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट आएगा तो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी कोई बॉन्ड नहीं है, इधर है 180 डिग्री, फिर इसके अपोजिट जाएगा, ये जो बॉन्ड है इसके अपोजिट जाएगा तो ऐसे रहेगा। तो देखो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है तो रिपल्सन कम होगा कि नहीं, बॉन्ड इधर है और ये बॉन्ड इधर है, दोनों एक दूसरे के कुछ 180 डिग्री का दिया, तो सबसे कम रिपल्सन होगा ये स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, ये स्टैगर्ड फॉर्म मोस्ट स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें लिस्ट रिपल्सन है। और बीच का कोई भी है ना, बीच का कोई भी जो सिचुएशन होगा वो सब कहलाएगा एसक्यू, और जिसमें मॉडरेट रिपल्सन होता है, मॉडरेट स्टेबिलिटी होता है, ठीक है ना। तो ये तीन पोजीशन हो गया, तो टॉर्सनल स्ट्रेन समझ गए, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ द सिग्मा बॉन्ड ऑफ द टू एडजेसेंट कार्बन एटम, है ना, इधर भी सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड है ना, दो कार्बन है
ठीक है, ये हो गया, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड, ये है ना, ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एकदम सामने है, सबसे नज़दीक है, ठीक है। ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एकदम सामने है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, रिपल्सन मैक्सिमम होगा। और यही हम उल्टा कर दिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पर चला गया, ये एक इधर ये ऊपर है, ये इधर नीचे है, जस्ट 180 डिग्री का एंगल। अभी जो इस बॉन्ड, ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये दोनों उंगली के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, ये वाला उंगली और ये वाला उंगली, देखो कितना का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो इस सिचुएशन में सबसे नज़दीक है, आमने सामने है, इसलिए रिपल्सन मैक्सिमम होगा। जब हम इसको ऐसे घुमा करके ऐसे कर दिए, तो दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। अब दोनों उंगली के बीच में कितने का एंगल है, इसके बीच में और इसके बीच में कितने का एंगल है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, जस्ट अपोजिट है दोनों। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, इसलिए मिनिमम रिपल्सन, इसमें मिनिमम डिस्टेंस हुआ क्योंकि सामने है, इसलिए मैक्सिमम रिपल्सन, इसलिए सबसे कम स्टेबल है। और जब हम इसको ऐसे कर दिए रोटेट करके, तो क्या हो गया, हम एक बॉन्ड दिखा रहे हैं, तीन बॉन्ड रहता है, तो हम जैसे एक बॉन्ड दिखा रहे हैं वैसे तीनों घूम करके ऐसे ही हो जाएगा, सब एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो ये देखो हो गया ना, ये सबसे स्टेबल हुआ क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, तो मिनिमम रिपल्सन है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा टॉर्शनल एंगल इसी में होगा, इस दोनों उंगली के बीच में जितना एंगल बन रहा है उसी को टॉर्शनल एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको ऐसे रोटेट करने में जो एनर्जी लगता है, ठीक है, इसको रोटेट करने में जो एनर्जी लगता है, एक को पकड़े हुए दूसरे को हम रोटेट करने हैं, इसको रोटेट करने में, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ऐसे रोटेट करने में जो एनर्जी लगता है उसको टॉर्शनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और ये जितने एंगल से रोटेट कर रहे हैं उसको टॉर्शनल एंगल बोलते हैं, जितने एंगल से इसको रोटेट कर रहे हैं उसको हम लोग टॉर्शनल एंगल बोलते हैं। जितना एनर्जी लग रहा है वो टॉर्शनल एनर्जी हुआ, जितना फोर्स लग रहा है उसको टॉर्शनल फोर्स या टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या हुआ, फोर्स और रिपल्सन, है ना, इस दोनों के बीच, दोनों बॉन्ड के बीच में जितना रिपल्सन है उसको बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपल्सन है इसलिए सबसे ज़्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन है, और ऐसा हो जाता है तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है तो इसलिए सबसे कम टॉर्शनल स्ट्रेन है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा डायहेड्रल एंगल और टॉर्शनल एंगल, जितने एंगल से कार्बन कार्बन बॉन्ड को घुमाते हैं वो हो गया हमारा टॉर्शनल एनर्जी। और रोटामर और कॉन्फॉर्मर, ये जो रोटेट करने से, ये जो रोटेट करने से जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट बन रहा है ना, इसको रोटेट करने से जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रोटामर और कॉन्फॉर्मर। क्या बोलते हैं, ये जो रोटेट करने से, एक को पकड़ लेंगे एक साइड, दूसरे को घुमाएंगे, जैसे हम इसको पकड़ लिया और इधर फिर घुमा रहे थे सामने, तो घुमाने से जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रोटामर और कन्फॉर्मर, ठीक है। अब कन्फॉर्मेशन क्या हुआ, जब इसको हम रोटेट करते हैं तो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट बनता है, स्पेशियल अरेंजमेंट बनने के बाद उसका एक कोई शेप डेवलप होता है जिसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं, शेप को ही ज्योमेट्री बोलते हैं, ना। अब ऐसे रहेगा तो शेप अलग रहेगा, ऐसे रहेगा तो शेप अलग होगा, ऐसे रहेगा तो शेप अलग होगा, ऐसे रहेगा तो शेप अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो डिफरेंट डिफरेंट शेप डेवलप होता है ड्यू टू रोटेशन, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट शेप डेवलप होता है ड्यू टू रोटेशन उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशन, और डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मर, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्फॉर्मेशन तो पढ़ लिए, लेकिन उसको पेपर पर हम कैसे दिखाएंगे, हमने तुमको अभी पेन के हेल्प से समझा दिया, ठीक है। पेपर पर कैसे दिखाएंगे, तो दो तरीका है जब कॉन्फॉर्मेशन को हम लोग पेपर के ऊपर दिखाते हैं, एक का नाम है
सौ हॉर्स प्रोजेक्शन और दूसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो कैसे दिखाते हैं उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जिस बॉन्ड के अराउंड, जिस बॉन्ड के को हम लोग रोटेट करते हैं, उस बॉन्ड को हम तिरछा बनाते हैं, किसमें? सौ हॉर्स प्रोजेक्शन में जिस बॉन्ड के थ्रू हम लोग रोटेट करते हैं तो उसको हम लोग तिरछा बनाते हैं। ये बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, ये क्या चीज़ का हम दिखा रहे हैं, इथेन का दिखा रहे हैं, सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसको हम लोगों ने पीछा दिखाया, क्योंकि इसको पकड़ते हैं, इसको ऐसे घुमाते हैं, इसको पकड़ लेंगे और इसको हम घुमाएंगे, इसको पकड़ेंगे और इस कार्बन को इसको पकड़े देंगे, इसको घुमा, ठीक है ना। एक कार्बन यहाँ है और दूसरा कार्बन यहाँ, दो कार्बन हो गया। तो सौ प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, जिस बॉन्ड को रोटेट करते हैं, जिस कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करते हैं उसको हम लोग तिरछा दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग दोनों किनारे पर इसको सामने से देखा जाता है, ऐसे सौ प्रोजेक्शन को क्या देखते हैं हम लोग, ऐसे सामने से देखते हैं, ठीक है। तो सामने से देखने वाले को, सामने वाले को इधर इधर, इधर पीछे वाले इधर है, तो एक बॉन्ड ऐसे होगा, ठीक है, ये बात समझे। तो इसके सामने ही ध्यान देंगे इधर पे, इसलिए इसको हम लोग देते हैं इधर, ठीक है, हो गया। अब जो है इसको हम लोग ऐसे, ठीक है ना, इसके पैरेलल हम लोग, इसके पैरेलल हम लोग यहाँ दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देंगे ऐसे, ठीक है, तो इसके पैरेलल हम लोग, ठीक है। तो ये भी हाइड्रोजन है, 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 ये भी हाइड्रोजन। अब देखो ये है हमारा एक्लिप्स, ये क्या है, एक्लिप्स, एक्लिप्स प्रोजेक्शन, क्योंकि सामने सामने हमने दिखाया, ये क्या है, एक्लिप्स है, सामने सामने हमने दिखाया, ठीक है। ये हो गया इसके सामने, ये हो गया इसके सामने, ये हो गया इसके सामने, सब सामने सामने है, ये हो गया एक्लिप्स, ठीक है। अब स्टैगर्ड दिखाएंगे, स्टैगर्ड कैसे होगा, फिर से हम ऐसे ही लेंगे। अब देखो ये तो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, ये ऐसे ही बना दिए। अब देखो स्टैगर्ड बनाना है, इसका उल्टा जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा कहाँ जाएगा, यहाँ, और इसका उल्टा किधर जाएगा, इधर, ठीक है। जरा मार्किंग कर देते हैं, ये दोनों सामने हैं, ठीक है ना, हम लोग जरा मार्किंग करते हैं, ये सामने सामने हो गया, इसको एक स्टार इसको दे रहे हैं, एक स्टार इसको दे रहे हैं, सामने हो गया, इसको दो स्टार दे रहे हैं, इसको भी दो स्टार दे रहे हैं, ठीक है। इसको तीन स्टार दे देते हैं, तो इसको भी तीन स्टार देते हैं, सेम टाइप बॉन्ड हुआ सामने से। अब देखो ये अभी है ये सिंगल स्टार, और इसका अपोजिट में है ये सिंगल स्टार, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया, अभी क्या था, दोनों पैरेलल थे, ठीक है। और इसको हमने डबल स्टार दिया है, तो इसका अपोजिट ये है, तो ये भी डबल स्टार हो गया, और ये ट्रिपल स्टार हो गया, ये हुआ ट्रिपल स्टार। तो देखो सेम काइंड बॉन्ड यहाँ पर क्या हो गया, अपोजिट है, इसके और इसके बीच में कितना है, 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसके और इसके बीच में क्या है, 180 डिग्री का एंगल है, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। अगर इसको उठा करके हम यहाँ दे दें तो क्या हो जाएगा, 180 होगा, है ना, इसको उठा करके हम यहाँ ले आए तो कैसा हो जाएगा, एक इधर स्ट्रेट लाइन,
अगर इसको हम उठा करके यहाँ रख दें क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन 180 होगा कि नहीं? ठीक है, अब हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जैसे ये तो हम लोग कौन ने बनाया इथेन, अगर दूसरे मॉलिक्यूल का बनाना है हाइड्रोजन को, ये जितना हाइड्रोजन है सबको हम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे, स्ट्रक्चर ही बनेगा एंड अल्काइल ग्रुप से हम रिप्लेस करेंगे। इथेन का सबसे आसान है क्योंकि सारा का सारा हाइड्रोजन ही है, इधर भी तीन हाइड्रोजन, इधर भी तीन हाइड्रोजन। लेकिन अगर दूसरे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का करना होगा तो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं अल्काइल ग्रुप से, या किसी एक हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, तो बड़ा बड़ा ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी तरह से बनेगा क्योंकि रोटेशन जो देखना है दो ही कार्बन के बीच में देखना है, बहुत सारा कार्बन रहेगा उसके बीच में हमको रोटेशन नहीं देखना है, सिर्फ कोई भी दो कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है जिस दो कार्बन के बीच में है, जिस कार्बन के अराउंड हमको देखना है रोटेशन, उस दोनों कार्बन को हम ऐसे तिरछा लिखेंगे और उसके बाद जो तीन जो ग्रुप रहेगा उससे जुड़ा हुआ वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया हमारा स्टैगर, ये हो गया स्टैगर प्रोजेक्शन, ये हुआ हमारा स्टैगर प्रोजेक्शन। क्लियर, तो ये जो है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, 100 हॉर्स नाम है साइंटिस्ट का, जो उन्होंने ये प्रोजेक्शन को बताया कि इस तरीके से हम लोग दिखाना है। तो दो एक्सट्रीम देख लिए, एक्लिप्स एंड स्टैगर, और इसके बीच में तो एसक्यू का बहुत सारा बनता है, वो अपना बनाते रहता है। ठीक है ना, वो तो बहुत सारा। ठीक है, तो ये जो एंगल है यही एंगल, ठीक है, ये जो अभी हम लोग एंगल बात किए, इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको टॉर्शनल एंगल बोलते हैं, इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको टॉर्शनल एंगल बोलते हैं, इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो टॉर्शनल एंगल होगा। ठीक है, इसके और इसके बीच में जो बन रहा है वो टॉर्शनल एंगल, इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो टॉर्शनल एंगल, इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो टॉर्शनल एंगल। ठीक है, समझ, इसी को डायहेड्रल एंगल भी बोलते हैं। तो ये हो गया 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, ये थ्रू हमने स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स फॉर्म को दिखा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक और प्रोजेक्शन है न्यूमैन प्रोजेक्शन, उसको पढ़ेंगे। ओके, अब जो है हम लोग इसी इथेन को न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू कॉन्फॉर्मेशन को दिखाएंगे। ठीक है, पहले एक्लिप्स दिखाते हैं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो दो कार्बन के बीच में बॉन्ड घुमाते हैं दोनों कार्बन को सर्कल से दिखाते हैं और ऐसे सामने से देखते हैं, तो सामने वाला सर्कल दिखेगा, पीछे वाला सर्कल नहीं दिखेगा। कोई चीज़ को जब हम ऐसे सामने से खड़े होकर देखें, जैसे हम इस चौक को हम ऐसे सामने देखेंगे तो हमको ये एंड दिखेगा, ये एंड नहीं दिखता है। सामने से देखेंगे तो ये एंड दिखता है, ये एंड नहीं दिखेगा। हम इस तरह से एकदम सामने देखेंगे तो ये खाली दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। इस कार्बन को और इस कार्बन दोनों को सर्कल से दिखाएंगे तो दोनों सर्कल तो एक ही पर आ जाएगा, तो हमको दिखेगा कि एक ही सर्कल है, सामने वाला सर्कल खाली दिखेगा, पीछे वाला तो छुप जाएगा उसके लिए। ठीक है ना, तो सर्कल सामने वाला हमको बॉन्ड भी दिख जाएगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाते हैं उसके लिए। जैसे ये सर्कल है, ये पीछे वाला सर्कल, ये पीछे वाला सर्कल है, एक कार्बन हो गया, इसी पर ना दूसरा भी होगा क्योंकि हम ऐसे सामने देखते हैं। ठीक है, तो इसी पर दूसरा सर्कल भी इसी पर बन जाएगा, तो इसको एकदम ढक लेगा, तो एक ही सर्कल हमको दिखेगा। तो हम पीछे वाला जो तीन वो हाइड्रोजन है, ये जो तीन हाइड्रोजन है पीछे वाले को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ ये सेंटर हो, ये हो गया पीछे, ये CH3 हो गया, ये पीछे वाला, और सामने वाला देखते हैं, ये CH3 को सामने वाला CH3 हो, उसका भी सर्कल तो यही है,
ठीक है ना, तो उसको सामने से दिखाएंगे। यही है, आप जैसे देखा ये जो है दिख रहा है सामने से, तीनों बॉन्ड दिख रहा है, एक दो तीन, ये सामने वाला है, ऐसे सामने वाला दिख रहा है। ये गोल सर्कल पर जो दिख रहा है एक दो तीन बॉन्ड, ये जो है पीछे वाला है, ये एक्लिप्स्ड है, आमने सामने ढके हुए हैं। हम यहाँ पर खाली हल्का सा बगल करके दिखाए, हल्का सा बगल करके दिखाए, ये वह एक्लिप्स्ड प्रोजेक्शन। ये हुआ एक्लिप्स प्रोजेक्शन का। अब हम लोग स्टैगर्ड देखते हैं, ये सर्कल हो गया, पीछे वाले को हम लोग दिखा रहे हैं, ये सेंटर हुआ, ये हमारा पीछे वाला CS3, ठीक है, पीछे वाला CS3। दूसरा सर्कल भी तो इसी पर रहेगा, दूसरा सर्कल भी तो इसी पर रहेगा ना, ठीक है। अब स्टैगर्ड दिखाएंगे, स्टैगर्ड क्या होता है, एकदम जस्ट अपोजिट, स्टैगर्ड क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, इसका अपोजिट यहाँ आया, ठीक है, इसका अपोजिट यहाँ आ रहा है, इसका अपोजिट यहाँ, ये हुआ सामने वाला, ये हुआ सामने वाला, ये जो एंगल है ना यही है डायहेड्रल, यही है डायहेड्रल, डायहेड्रल और टॉर्सिनल एंगल, ठीक है, ये जो हुआ ना इसी को बोलते हैं डायहेड्रल और टॉर्सिनल एंगल, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी डायहेड्रल और टॉर्सिनल एंगल, हम एक जगह दिखा रहे हैं डायहेड्रल और टॉर्सिनल एंगल, ये एंगल वाला दोनों के बीच में यही है डायहेड्रल और टॉर्सिनल एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैगर्ड STAGGERED प्रोजेक्शन, ये हो गया स्टैगर्ड प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड प्रोजेक्शन, क्लियर। जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट सामने वाला कार्बन है, ये जो दिख रहा है डंडा पूरा सेंटर से जाता हुआ सामने वाला डंडा दिख रहा है, सामने से एकदम पूरा बॉन्ड दिख रहा है, ये सामने वाला कार्बन है, और गोला जो दिख रहा है वो पीछे वाला कार्बन, तो पीछे वाला CH बॉन्ड और सामने वाला CH बॉन्ड दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ना, पीछे वाला इधर है और सामने वाला ये है, कितना है 180 है ना, ये सामने वाला है और ये पीछे वाला है, स्टैगर्ड पोजीशन। इसके अलावा और कोई भी पोजीशन बनेगा तो वो कहलाएगा स्टैगर्ड ASQ। अब जैसे ये है तो बना लेते हैं, ये हुआ SQ, ये हो गया SQ, बीच का कोई भी पोजीशन, जो इस दोनों के बीच का पोजीशन, एक्लिप्स और स्टैगर्ड प्रोजेक्शन के बीच का कोई भी अरेंजमेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा SQ। देखो
ये हो गया हमारा एच टू, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कोई भी बीच का जो पोजीशन है कैसा भी रहेगा वो एच टू। तो इस तरह से हम लोग कॉन्फॉर्मेशन पढ़ लिए, ठीक है। ये इथेन का कॉन्फॉर्मेशन है, अगर हमको बनाना हो प्रोपेन का तो प्रोपेन का क्या होगा, CH3 CH2 CH3, क्या करें, दो कार्बन है तो यहाँ पर एक CH3 दे, तीन हो गया, एक दो तीन टूट गया, तो यहाँ पर वैसे ही रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर H रिप्लेस किया था CH3 दे देंगे, और जैसे इसका इसका करना है, इसका है ना, इसका तो हो गया और इसका करना है तो हो गया ये CH3, ठीक है, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, तो ये निकल गया सब में हो गया, और भी अगर इधर कर देना है तो वो भी हो जाएगा, वैसे जैसे जो रिप्रेस करोगे, बस दिखाना है तो ही कार्बन दिखाना है, तो ही कार्बन को बाकी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में दिखाएंगे और हो जाएगा अपने, ठीक है। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का भी रहे सबको ऐसे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ, ओके, हैव अ नाइस डे।